क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। हर्ष और उल्लास का दिन है क्योंकि प्रभु येसु क्रिस्त आज स्वर्गारोहित हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट या काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने का एक टारगेट रखते हैं, एक मकसद रखते हैं और उसे पूरा करने तक हम उन पर पूरा ध्यान देते हैं। जैसा कि घर या मकान बनाना, कभी कभी एक घर बनाने के लिए एक साल या डेढ़ साल तक लग जाता है और उसे पूरा करने तक हम लोग उसमें लगे रहते हैं। प्रभु येसु क्रिस्त इस धरती पर एक मिशन कार्य लेकर आए थे। प्रभु येसु क्रिस्त ने इस धरती पर आने के बाद एक मिशन को शुरू किया था। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और वही शब्द वही ईश्वर मानव रूप धारण करते हैं और हम लोगों के साथ जीते हैं। पिता ईश्वर ने दिए हुए मिशन कार्य को प्रभु येसु क्रिस्त पूरा करते हैं और वो मिशन कार्य था हम लोगों की मुक्ति। प्रभु येसु क्रिस्त हम लोगों को हमारे पापों से छुटकारा दिलाते हैं और हम लोग प्रभु येसु क्रिस्त का आज स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। हर्ष और उल्लास के साथ यह पर्व हम लोग मना रहे हैं। हम भी प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हमें भी ईश्वर के पास वापस जाना है। यह हमारे लिए एक टारगेट है कि हम इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। इस धरती पर हम एक यात्री हैं, बस कुछ सालों के बाद हमें भी ईश्वर के पास वापस जाना है। परंतु अगर हम लोग ऐसा सोचें कि जैसे उस अमीर व्यक्ति ने सोचा था कि मैं अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा और उसके बाद ऐशो आराम का जिंदगी जीऊंगा, तब उसे प्रभु यीशु ने यह कहा था। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएगा और तूने जो धन इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम लोगों को स्वर्गारोहण का दृश्य को बार बार हमारे दिमाग में लाना होगा। वो दृश्य आज हम लोग पहले पाठ में पढ़ते हैं। दृश्य कुछ इस प्रकार है, इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर देख ही रहे थे कि दो उजले वस्त्र पहने पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उन्होंने उन शिष्यों से कहा, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु येसु क्रिस्त स्वर्गारोहण स्वर्गारोहित कर लिए गए। येसु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से मुलाकात में उनको एक मिशन कार्य दिया था। मिशन इस प्रकार है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हम किस प्रकार प्रभु येसु क्रिस्त का सुसमाचार को सुना सकते हैं? आसान है, दिक्कतें आएगी, मुश्किल है। सवाल यही है प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपके सामने, कि हम
किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। शायद हम सब के लिए यह आसान हो सकता है। क्रिस्टोफर एक अच्छे ईसाई थे। हर इतवार के दिन वो रेगुलर थे चर्च जाने के लिए। उनके एक पड़ोसी थे, वे कभी इतवार के दिन मिस्सा में नहीं जाते थे। क्रिस्टोफर को इससे बड़ा तकलीफ होती थी कि उन्हें लगता था कि उनका पड़ोसी एक अच्छा क्रिश्चियन जीवन नहीं बिताते हैं, वे प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं जानते। इसलिए क्रिस्टोफर की ये सोच थी कि उन्हें सुधारना होगा, उन्हें प्रभु के बारे में बताना होगा, ये उनका कर्तव्य है। इसलिए बहुत बार कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में अपने पड़ोसी को बताने के लिए, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहुत बार उनके घर तक गए थे कि प्रभु के बारे में कुछ कहें, परंतु बोल नहीं पाते थे, वापस लौट आते थे। एक बार ऐसे ही सोच सोच में उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपने पड़ोसी को एक बाइबल दे दे। परंतु उस पड़ोसी को बाइबल देने तक उन पर हिम्मत नहीं दी। बार बार बाइबल लेकर उनके दरवाजे तक जाते थे, वापस आते थे। तब और एक आइडिया उनके दिमाग में आई, क्यों ना बाइबल को पार्सल करें, पोस्ट में भेजे। और यह आइडिया क्रिस्टोफर को बड़ी अच्छी लगी, तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से बाइबल को पार्सल करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसके बाद पोस्ट करते हैं। दो हफ्तों तक क्रिस्टोफर इंतजार करते रहते हैं कि पड़ोसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्या बाइबल उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। दो हफ्तों के आखिरी आखिरी में क्रिस्टोफर की पत्नी लीना अपने पड़ोसी के घर गई थी, और वापस आते समय उसने कुछ अजीब सी चीज देखी थी। वो दौड़कर अपने घर आती है और अपने पति क्रिस्टोफर से कहती है, जो बाइबल आपने दिया था उसे मैंने आज देखा है। वो बाइबल अपने पड़ोसी के घर के ठीक बाहर जो उन्होंने डस्टबिन रखा है उसमें पड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो तुरंत वहां पर जाता है और बाइबल को उठा लेता है और पड़ोसी का घर का दरवाजा खटखटाता है। गुस्से में तो थे, फिर भी अपना गुस्से को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर पड़ोसी से कहते हैं कि शायद आपको एक पार्सल आया था और शायद पोस्टमैन ने आपको पार्सल अब तक नहीं पहुंचाया होगा। आपका जो बाइबल है वो इस कूड़ेदान में पड़ा है, ये आपका है। पड़ोसी कुछ नहीं कहता है। क्रिस्टोफर आगे बोलते हैं कि जब आप इस बाइबल को पढ़ेंगे आप ईश्वर के बारे में जरूर जानेंगे, शायद आपको यह बाइबल रोज पढ़ना होगा। पड़ोसी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं। क्रिस्टोफर नहीं मान पाते, कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। तब पड़ोसी क्रिस्टोफर से कहते हैं, आप तो एक ईसाई है ना। क्रिस्टोफर कहते हैं, जी हां मैं एक अच्छा ईसाई हूं, हर इतवार के दिन मिसा बलिदान में जाता हूं। तब क्रिस्टोफर का पड़ोसी कहते हैं, I have been reading your life for the past 10 years. आप मेरे लिए एक बाइबल है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आस पड़ोसी में, हमारे दोस्त, जिस जगह पर हम लोग काम करते हैं, हमारे साथी रोज हमारा स्वभाव को देखते हैं, हमारे रहन सहन को देखते हैं, हमारे विचारों से वे वाकिफ हैं। क्या हम लोग उनके लिए एक आदर्श बन सकते हैं? क्या हम लोग उनके लिए एक खुली बाइबल बन सकते हैं? हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे सेंट्स से संत हैं जिनकी जीवनी को पढ़ने के बाद लोगों ने अपना जीवन को बदल दिया है, वे एक अच्छा क्रिश्चियन बन गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, असिसी के संत फ्रांसिस कहते हैं, Preach the gospel at all times. Yes. Preach the gospel at all times and when necessary, use words.
तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु ने दिए हुए उस मिशन को आगे बढ़ाते जाइए और एक दिन जरूर हम भी स्वर्ग में होंगे। आमीन।